एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बज चुके हैं, पीछे देख सकते हैं, शाम के 6, और मैं ब्लॉग शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ अभी अपना। तो मुझे बनाना है अभी खाना, और बाहर मोटर चल रही है इसलिए इतना शोर आवाज़ आ रही है। तो खाने की करेंगे रात की तैयारी। ब्लॉग भी मैंने शाम को स्टार्ट किया, और आप जो है दोस्त मेरे साथ बनी रही है। और मैं बनाऊँगी आज ये छोटे वाले बैंगन लाई हैं, इसको बनाना है। तो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और आप जो है बने रहिए मेरे। तो बस धोकर मैं ले आई थी, तो मैं अब इसको करूँगी कट। अच्छे से धो लिए थे और ना आराम से बैठ के मैं कट करूँगी, क्योंकि कीड़े भी निकल सकते हैं बैंगन में से, हो जाता है। तो मैंने सोचा था फ्राई करके भर के बनाऊँ, बट वैसे नहीं बना रही, तो टाइम नहीं है। और ऊपर से क्या है कि कीड़े वगैरह ना निकले, तो मैं देख कर ही कट करके बनाऊँगी। और एक में जैसे कि निकला भी था इस वजह से, तो अभी मैं इसको देख रही हूँ अच्छे से कट करके, फिर जो है मैंने बोला भी कट कर लेती हूँ आराम से, और जो कीड़ा वगैरह ना कोई निकले, देख के ही कट करूँगी। और आज ब्लॉग शाम को ही स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह नहीं बनाया कुछ भी ब्लॉग वगैरह, और बस अब मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तब तक मैंने सोचा कि सब्ज़ी वगैरह मैं कट कर लेती हूँ। और अभी मैंने अपनी चाय फिनिश किया, देख ली कप भी पड़ा हुआ, उठा के नहीं अभी रखा है मैंने। तो बस मेरा पहले ये रूटीन ऐसा होता था, चाय के साथ ही मैं अपना सब्ज़ी बना के रख देती थी, फिर रात को जो भी खाना है कि चाय बन पियो और साथ में सब्ज़ी बना के रख दी, फिर रात को रोटी बना लूँगी। तो फिर अभी थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे कि भाभी की हो गई, भाभी आ गए हैं, भाई की शादी होगी, तो फिर उनकी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, तो फिर थोड़ा लेट भी बन जाए तो मिलजुल के बना लेते, तो इतना मुश्किल नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक दो में मैंने बोला ना कीड़े निकले थे देखने में, और मतलब ये बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, ट्राई करके देखना ज़रूर कभी बना के, भरे हुए बैंगन भी। वैसे भी तो कभी कभी होता है बच्चे नहीं खाते हैं, जैसे भाई भी खा लेता है, मैं और भाभी को पसंद है, हस्बैंड और बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ये लगता है सब चीज़ें खानी चाहिए। और क्या है कि मतलब कुछ भी हो, जैसे घी हरी सब्जी है, जैसे कोई बच्चे बहुत कम खाते हैं सब चीज़ें, मतलब एक बार सीजनली जो भी सब्जी हो उसे ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कट करके रख लिए थे बैंगन, तो अभी मैं प्याज अच्छी खासी क्वांटिटी में ले रही हूँ, 4 प्याज लिए थे मैंने बड़े बड़े, कि इसको बनाऊँगी वैसे ही जैसे भरवे बैंगन होते हैं, मतलब ठीक ठीक था, पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करने वाली। और मैंने इसके अंदर जो है 3 आलू भी डाल लिए थे, क्योंकि मेरी बेटी, मैंने बोला ना बैंगन वगैरह नहीं खाते बेटा अभी, तो उनको आलू निकाल के मैं दे दूँगी तो वो ईज़िली खा लेंगे। तो हर किसी के लिए अलग अलग तो मैं बनाऊँगी नहीं, सेम ही बनेगा, तो इस वजह से इसमें आलू वगैरह भी मैं कट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिए थे, और मेरा ये चॉपर ख़राब हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। प्याज तो हो गए थे, लेकिन जो है ना बाद में जैसे अभी मैं टमाटर वगैरह करूँगी तो ये ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया है जब तक ये गर्म होएगा, और सब्ज़ी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, टेस्टी बनती है, यमी, और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाते हैं तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो सरसों के तेल में ही मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो सिंपली जो मेरे पास है उसी में प्याज मैंने डाल दिए, 4 प्याज मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने लिए हैं अच्छे खासे, जैसे आधा किलो मैक्सिमम प्याज, थिक थिक ग्रेवी ग्रेवी सी बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी चॉप फटाफट से, मैंने सोचा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है चॉपर, जैसे कि अभी कट करने के हाथों से ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो कभी कभी ये चॉपर मेरे बहुत मतलब काम आ जाता है। लेकिन ये है कि पता नहीं क्या हुआ इसको, ये ख़राब हो गया, मैंने इसमें प्याज डाले थे लेकिन भुने नहीं अच्छे से, तो टमाटर प्याज मेरे भुन चुके थे, मैंने टमाटर ऐड कर दिए, और इसके अंदर मसाला नमक मिर्च हल्दी और चिकन मसाला ऐड किया था, अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ बैंगन और आलू, अब ये मैंने बनने के लिए रख दी थी सब्ज़ी। और अभी मुझे करना था थोड़ा सा किचन क्लीन और थोड़े से बर्तन, है मैंने सोचा अभी जो है लगे हाथ मैं ये भी कर देती हूँ, और साथ के साथ मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करेंगे, और थोड़े से बर्तन हैं इनको मैं धो दूँगी। और आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोस अच्छी लगे तो बस जो है शेयर ज़रूर कीजिए, तो यही कहना है। और बस यहाँ पे जो है मैंने किचन क्लीन कर दिया था, और बस अभी ये बर्तन भी हैं, फटाफट से मैं धो देती हूँ। तो बस शाम को ऐसा ही रूटीन आजकल रहता है, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं अब कंटिन्यू अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेके आएँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा मेरा ना फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो गया, फ़ोन मेरा थोड़ा ख़राब है, अभी देखो कब लेंगे, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं लूँगी, तो इस वजह से भी मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता। फ़ोन जो है ना मेरा, उसका स्क्रीन निकल गया, और थोड़ा बैटरी का भी प्रॉब्लम होता है,
चेंज करने वाला हो गया, लेकिन देखते हैं अभी नहीं फ़िलहाल लूँगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने वाली हैं बच्चों के, इसी मैंने अभी एडमिशन वगैरह जो भी है घर आए इस वजह से अभी लूँगी। अच्छा सा फ़ोन, फिर क्लैरिटी अच्छी, वीडियोज़ भी अच्छी अच्छी सी और आएंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा जो है बच्चे टी वी वगैरह देख रहे थे, तो रूम वगैरह ये सेट करने वाला है, इसको अच्छे से सेट वगैरह कर दूँगी। यही होता है शाम को एक बारी जो है मैं अच्छे से क्लीन वगैरह सेट वगैरह कर देती हूँ, सुबह एक बारी हो गया, फिर शाम को भी जो भी बच्चों वाला घर है आप दिन में जितनी बार भी करो तो उतनी बार फैलेगा भी जरूर, गंदा भी होगा। जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे बड़े हो फिर तो नहीं कुछ भी घर फैलता, बच्चों वाले घर में तो होता ही ऐसा। तो बस यहाँ गर्मी हो गई है, रूम वगैरह मैंने सेट कर दिया, उनका पसीना आने लग गया आजकल तो मौसम चेंज की वजह से। और यहाँ पे सब्जी अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, इसे 5 मिनट, तो इसे हम पकने देते हैं और मैं इसे ढक देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेने, आकर फिर आप लोगों को मिलती हूँ।